राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में शनिवार को जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई है। इस बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। बैठक में संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। इसका ऐलान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद किया। वहीं बैठक में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले या स्पेशल पैकेज मिले, इसको लेकर मंथन किया गया है। इस मसले को लेकर केंद्र सरकार के सामने जीडीयू मजबूती से अपना पक्ष रख कर मांग करेगी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में इस प्रस्ताव पर मोहर लग गई है। यही नहीं, झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ने का भी पार्टी ने फैसला किया है। इस बैठक में लोकसभा चुनाव की समीक्षा और आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई है। 2025 का बिहार विधानसभा का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, ये पार्टी की ओर से साफ मैसेज है। झारखंड के निर्दलीय विधायक सरयू राय भी जदयू में शामिल हो सकते हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जदयू की झारखंड इकाई ने सरयू राय समेत कुछ अन्य नेताओं को पार्टी में शामिल करने की मांग की है। पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा, सीएम नीतीश कुमार जी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सामने घोषणा की है कि अब वो हमेशा एनडीए गठबंधन का हिस्सा रहेंगे। बिहार हाईकोर्ट द्वारा आरक्षण पर रोक लगाने के मामले में हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। राज्यसभा सांसद संजय झा को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। हम विशेष दर्जे और आर्थिक पैकेज के लिए लड़ाई जारी रखेंगे। बैठक में कार्यकारिणी के सदस्य, महासचिव, सचिव और प्रदेश अध्यक्षों के अलावा सभी सांसद और मंत्री मौजूद रहे। इस दौरान पार्टी की ओर से हाल ही के दिनों में लिए गए तमाम निर्णयों, उसके प्रभाव, लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन और अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आगे की रणनीति पर भी चर्चा की गई। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने कहा कि हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि 2024 के चुनाव नतीजों ने देश की राजनीति में यह स्पष्ट कर दिया है कि राजनीति नीतीश कुमार जी के इर्द गिर्द घूमती है। इससे पहले शुक्रवार को नीतीश कुमार जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भाग लेने के लिए पटना से दिल्ली के लिए रवाना हुए। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जेडीयू और बीजेपी बिहार में सुशासन के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में जेडीयू सांसदों के साथ बैठक के बाद ये बात कही। हाल ही में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव में जेडीयू ने बिहार में 16 सीटों पर चुनाव लड़ा और 12 सीटों पर जीत दर्ज की। इसके अलावा पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के हिस्से के रूप में केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी प्रतिनिधित्व मिला है। जेडीयू बीजेपी के प्रमुख गठबंधन सहयोगियों में से एक है।